हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फूड एंड केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी खाना चाहते हो और टाइम भी बहुत कम है तो ये डिश बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं रश्मि आज खांडवी बनाने वाली हूँ। खांडवी बनाने में जो भी परेशानी होती है उसका भी सल्यूशन बताऊंगी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। खांडवी बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है बेसन। चने की बेसन 1 कप लिया है मैंने। बेसन के हेल्थ बेनिफिट्स तो जितना कहा जाए कम है। ये हार्ट को हेल्दी रखता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, कोई भी एलर्जी को भी कम करता है बेसन। आप चाहो तो बेसन को छान कर ले सकते हो, पर छानने का प्रोसेस हम बाद में करेंगे। अभी इंग्रेडिएंट सारे मिला लेंगे। जितना बेसन हमने लिए है उतना ही दही चाहिए। बिल्कुल आसान हिसाब है। मैं 1 कप दही ले रही हूँ। नॉर्मल घर पे बनी खट्टा दही ली है मैंने। थोड़ा सा मिलाएंगे। अब खांडवी के टेस्ट के लिए मैं 1/2 चम्मच अदरक को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अदरक मुँह का स्वाद बढ़ाता है, इसलिए कभी खाने में स्वाद ना लगे तो थोड़ा अदरक का जूस ले सकते हो। अब 1 चम्मच हरी मिर्च कद्दूकस करके ले रही हूँ। ये बहुत तीखी मिर्च है इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं ले रही, पर आपका अगर हरी मिर्च तीखा ना हो तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो। कोई कोई इसमें 1 से 2 चम्मच तेल लेते हैं, पर ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, मैं नहीं ले रही हूँ। तेल जितना कम खाया जाए उतना ही अच्छा है। अब 1/2 छोटा चम्मच नमक लेंगे, नॉर्मल सादा नमक है, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। ये सिर्फ कलर के लिए ले रही हूँ मैं। बिल्कुल बाजार जैसी खांडवी बनाएंगे हम। अब डालेंगे पानी। पानी का क्वांटिटी ध्यान से देखिए, जितना दही उसका डबल पानी, मतलब 1 कप दही तो 2 कप पानी। मिक्स करेंगे अच्छे से, लम्स फ्री घोल बना लेंगे। ये देखिए कंसिस्टेंसी देख सकते हो। अब जिस पैन में बनाएंगे उसमें छान कर निकाल लेंगे। हम इस घोल में कुछ भी दरदरा रहने नहीं दे सकते। छानने से जो भी लम्स रह जाए वो अलग हो जाएगा। अदरक और हरी मिर्च का भी सिर्फ जूस ही काफ़ी है, मतलब उसका फ्लेवर ही चाहिए हमें। कुछ भी दरदरा नहीं रहने दे सकते इसमें, तो बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है। देखिए ये दरदरा पार्ट जो है वो अलग हो गया। बारीक छलनी से ही छानना आप। अब मेन प्रोसेस है, गैस बिल्कुल लो है, आराम से धीरे धीरे इसे पकाएंगे। जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं है। 10 मिनट आप सिर्फ इसे दीजिए तो खांड भी आपके 1 नंबर बनेगी। और ऐसे कंटिन्यूस इसे हिलाते जाना होगा, 1 सेकंड भी रुकना नहीं है। देखिए 5 मिनट हो गया है ऐसे मिलाते हुए। मैंने व्हिस्क ले लिया है, अब इसे चलाएंगे। व्हिस्क से बेटर होगा, गैस बिल्कुल लो है, धीमी आंच पर ही पकाना होगा। रुकना नहीं है, चलाते रहना होगा, वरना लम्स बन जाएगा और खांड भी नहीं बन पाएगी। देखिए काफी गाढ़ी हो गई। अब हाथों को जल्दी जल्दी चलाना होगा। फ्लेम बिल्कुल भी लो है, कंटिन्यूस चलाते रहना है, रुकना नहीं है। कोई कोई कुकर में भी बनाते हैं, पर वैसे क्या, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा बन जाए तो परेशानी, तो ऐसे ही कढ़ाई पे ही बढ़िया है। ये रेडी है या नहीं आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। प्लेट पे ऐसे 1 ड्रॉप को फैलाना होगा। अब इसे 10 से 15 सेकंड के लिए साइड में ठंडा होने दीजिए, हाथों को चलाते रहना है। ये देखिए ये चिपक रहा है, मतलब थोड़ी देर और पकाना होगा। अब फिर से चेक करेंगे। ये देखिए 15 सेकंड बाद चेक कर रही हूँ, ये आसानी से उतर रहा है, मतलब अभी गैस बंद कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो ड्रीम फूड एंड केयर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे हर नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अभी तुरंत इसे ऐसे थाली के उल्टे साइड में निकालेंगे। याद रखना तुरंत निकालना है। ये मिश्रण को हम ठंडा नहीं होने दे सकते, और पलटे की मदद से ऐसे फैला लेंगे। आप कम से कम 3 से 4 थाली को पहले से ही साफ करके रेडी करके रख देना, ताकि बाद में जल्दी जल्दी यह काम कर पाओ। थाली में तेल वेल लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे पतला फैला लेंगे। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे पतला पतला फैलाना होगा। जैसे बैटर ठंडा होने लगे तो लम्स बनना शुरू हो जाता है, इसलिए गरम गरम ही इसे फैला लेना होगा। आप आपके काउंटर पे भी फैला सकते हो। देखिए मैंने 3 प्लेट पर फैला पाई।
अब इसे 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। इतने में छौंक रेडी कर लेते हैं। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ली है, साथ में ये घर पे बनी फ्रेश बटर लिया है मैंने थोड़ा। आप सिर्फ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब 1 छोटा चम्मच राई डाल देंगे। तेल बिल्कुल गर्म है, देखिए राई में क्रैकल आ गया है। अब ये करी पत्ता डाल देंगे ऊपर से। करी पत्ते मैंने बारीक काट ली है, हल्का फ्राई करेंगे। आप इसमें 1 चम्मच सफेद तिल भी डाल सकते हो, 1 चुटकी हींग भी डाल सकते हो। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल देंगे। गैस बंद है, अभी शक्कर को घुलने देंगे। बस ये छौंक रेडी है। अब कट लगा लेंगे, लंबे लंबे कट लगा लेंगे, फिर बीच में भी कट लगा लेंगे। अब ये छौंक फैला लेंगे, ज्यादा भी मत लेना छौंक, वरना खांडवी रोल करने में परेशानी होगी। आप इसे पहले रोल करके फिर ऊपर से भी छौंक लगा सकते हो। अब ये नारियल को मैंने कद्दूकस करके लिए है, पानी वाला नारियल है, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हो। अब धीरे धीरे हल्के हाथों से रोल करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से रोल करना होगा। शुरू में धीरे धीरे उठाना है, फिर बस रोल करते जाना है। साइड का एक्स्ट्रा पार्ट भी काट लिया है मैंने, पर इसे फेंकना नहीं है, बस प्लेटिंग नहीं कर सकती मैं इसके। खांड भी जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी डिश होता है, इसे नहीं खाए तो क्या खाए। और अच्छा होगा अगर आप घर पे ही बना के खाओ तो। इस सेहत से भरी डिश के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो लीजिए खांडवी के प्लेटिंग कर ली मैंने, कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। कितना अच्छा लगता है जब इतना सुंदर डिश उतना ही हेल्दी हो। तो आप कब इस डिश को बना रहे हो मुझे कमेंट पे बताना मत भूलना। ऐसे ही डिशेस बनाते जाइए और मुझे फॉलो कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।